नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सबसे अहम और बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। अब मध्य प्रदेश में फिर से पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन होगा, अध्यादेश जारी किया गया है। बीते रोज यानी 30 दिसंबर को ये अध्यादेश मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राज्यपाल की मुहर भी लग चुकी है। तो अब नए सिरे से परिसीमन होगा मध्य प्रदेश में, यानी कि जो 2019 का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का अध्यादेश था वो समाप्त होना जाएगा। बड़ी खबर बुंदेली दर्पण पर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब नए परिसीमन के साथ होंगे। शिवराज सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और अब जो चुनाव होंगे वह पुनः उनका परिसीमन होगा और उसके बाद चुनाव संपन्न हो सकेंगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण और परिसीमन को लेकर बैकफुट पर आई थी शिवराज सरकार और अब यह नया दांव कहा जा सकता है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय में हुए परिसीमन को एक बार फिर समाप्त कर दिया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार देर शाम जारी की। अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। पंचायत एवं ग्राम स्वराज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 की अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से ऐसे परिसीमन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर जारी नहीं की जाती है तो प्रकाशित परिसीमन व विभाजन निरस्त माना जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायतों का अब नए सिरे से होगा परिसीमन। राज्य सरकार ने ये अध्यादेश जारी किया है। तो बड़ी खबर बुंदेली दर्पण पर अध्यादेश की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब जो परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव संपन्न होंगे, इसके पहले सरकार ने एक महीने पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 2019 को लागू किए गए परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लागू किया था, जिसे 26 दिसंबर को फिर वापस ले लिया गया था। कमलनाथ सरकार ने सितंबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें भी बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह 1950 की सीमा में भी बदलाव किया गया था। सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 22 नवंबर को ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए थे। ऐसी सभी जिला जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कांग्रेस ने और इस बीच पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का एक नया मुद्दा सामने आ गया था। सरकार ने इस अध्यादेश को वापस लिया था। इसके बाद 26 दिसंबर को रविवार के दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसी दिन राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो यानी पंचायत हो सकेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, कमलनाथ सरकार का परिसीमन समाप्त किया गया है, अध्यादेश जारी हुआ है और अब नए परिसीमन के साथ होंगे जिला जनपद और ग्राम पंचायतों के चुनाव। खबर में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी बड़ी सुर्खियों के साथ। नमस्कार।